हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय एके क्लासेस। गाइस, आज मैं आपके सामने ऐसे चार स्टेप्स लेकर आया हूँ जिसके द्वारा आप आज से ही अपने घर पर रहकर इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, ज़्यादातर हम होता क्या है कि जो लोग होते हैं जब वो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना शुरू करते हैं तो वो स्टार्टिंग में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर हमें क्या दिया जाता है, छोटे छोटे टॉपिक दिए जाते हैं जिनके ऊपर हमें बातें करनी पड़ती है। और जब हम उन टॉपिक को लेकर अपने घर पर खूब प्रैक्टिस करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, तो हमें मन ही मन ऐसा लगता है कि हाँ, हमने अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लिया है और हम मन ही मन उसको अच्छे से स्पीक भी करते हैं। लेकिन जब बात दूसरों के सामने बोलने की आती है उस टॉपिक को, तो हम पीछे हट जाते हैं। होता है ना गाइस, यही होता है हमारे साथ। तो इसी डर को दूर करने के लिए मैं आपके सामने चार स्टेप्स लेकर आया हूँ, क्योंकि इन चार स्टेप्स की मदद से आप जो है उस जो वो जो डर है दूसरे लोगों के सामने बोलने का, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। तो चार स्टेप्स गाइस इस प्रकार हैं। नंबर वन पर है आपका लिसनिंग, नंबर टू पर है आपका रीडिंग, और नंबर थ्री पर आपका राइटिंग, और नंबर फोर पर आपका स्पीकिंग। हाँ गाइस, यदि आप इन चार जो स्टेप्स हैं इनका अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप बहुत जल्द ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। जिस प्रकार हमारा पहला स्टेप था लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना गाइस। तो लिसनिंग में होता क्या गाइस, यदि आप लिसनिंग की प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में लाने लगेंगे तो आपको बहुत हद तक परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लिसनिंग में आप एक काम कर सकते हो, जैसे हमारे जो इंग्लिश सॉन्ग्स होते हैं उनको आप आज से ही ठान लें, वो आप सुनना स्टार्ट कर दें। जैसे इंग्लिश न्यूज़ चैनल हो गया, क्योंकि जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल होते हैं उनके लैंग्वेज भी इजीली होती है। लिसनिंग से हमारी हेल्प ये मिलती है, हमें जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं वो समझने है नहीं है, और इंग्लिश वर्डों को सुनने की आदत पड़ जाएगी। जो हम इंग्लिश सॉन्ग सुनेंगे, जो नीचे लिरिक्स वाले होते हैं, लिरिक्स की सहायता से होता क्या गाइस, एक तो हमें समझने में ईजी पड़ेगा और फिर कुछ समय बाद वो हमें समझने भी आने लगेंगे। तो लिसनिंग से ये फ़ायदा होता है, हमें फिर जो इंग्लिश वर्ड होते हैं वो सुनने की हैबिट पड़ जाती है, उसे हम अच्छे से समझने लगते हैं। तो इसलिए आप लिसनिंग में ये काम स्टार्ट आज से ही शुरू कर दें। जैसे नंबर टू पे था आपका रीडिंग का। रीडिंग से क्या फ़ायदा होता है गाइस, जैसे रीडिंग में आप इंग्लिश न्यूज़पेपर हो गए उनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है गाइस। क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर से एक तो हमें देखो दो बेनिफिट होने वाले हैं। फर्स्ट ये है, जो हमारे टंग पर जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो आने लगेंगे। रीडिंग से ये फायदा होता है, जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो हम बोलने लगेंगे, ठीक है गाइस। और दूसरा, न्यूज़पेपर से हमें ये भी फायदा होता है गाइस, जो लेटेस्ट वर्ड होते हैं, नए नए वर्डों को जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो न्यूज़पेपर में हमें यूज़ करने में हमें पता चल जाता है। और या फिर जैसे इंग्लिश मैगजीन हो गई तो आप उनका इस्तेमाल करने लगें, इससे ये फ़ायदा होता है कि ऑटोमेटिकली जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं वो हमारे टंग पर आने लगते हैं, उनका हम अभ्यास करने लगाते हैं, इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो रीडिंग जो है इस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है राइटिंग, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। क्योंकि आपने देखा होगा, जब हम किसी भी चीज़ को बोलने की कोशिश करते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं, तो आपने देखा होगा हम उसको लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि लिखने से होता क्या गाइस, जो हमारे अंदर के जो आइडियाज़ हैं वो क्रिएट होते हैं, और हम कोशिश भी करते हैं कि पहले हम लिख लें। क्योंकि लिखने से क्या होता है, जो हम स्पीक करने का जब हमारा नंबर आता है तो हम लिखते हैं, तो उससे जो है हमारे आइडियाज़ बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, और एक ऐसा रूटीन बन जाता है हमारा ताकि हम वो आगे चल कर अच्छा स्पीक करें। तो राइटिंग आपकी इस प्रकार काफ़ी हद तक मदद कर सकती है गाइस। और जो लास्ट है आपका स्पीकिंग, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ये करना स्टार्ट कर दिया है, तो स्पीकिंग तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि स्पीक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब बात बोलने की आती है वहीं हम पीछे हट जाते हैं गाइस। लेकिन हमें आज से ये नहीं करना, हमें स्पीक करना है। चाहे हम अटक अटक के बोलें, गलत बोलें, कैसे बोलें, लेकिन हमें इंग्लिश में बातें करना शुरू करना है। क्योंकि स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब तक हम बोलेंगे नहीं, इंग्लिश को बोलेंगे नहीं, तो हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, ठीक है गाइस। इंग्लिश स्पीकिंग में आप बहुत सारे रूट हैं जैसे आप अपना सकते हो। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग में, जैसे कभी आप मार्केट जाते हैं वेजिटेबल्स वगैरह खरीदने के लिए, तो जो
वेंडर होता है उससे आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको एक बेनिफिट होने वाला ये है गाइज, क्योंकि जब आप उससे स्पीक करोगे इंग्लिश में, एक तो जो वेंडर जो होगा वो आपको अच्छे से जो रेस्पेक्ट भी देगा कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है वो इंग्लिश में बातें कर रहा है, और दूसरा क्योंकि जो आप कुछ वर्ड्स गलत बोलोगे अटक के बोलोगे तो उसे इतना समझ में भी नहीं आएगा, तो जो आपकी जो जो रुकावट होती है जो डर होता है उसके सामने आपको इतना नहीं लग पाएगा। और दूसरा ऑप्शन आप ये इस्तेमाल कर सकते हो गाइस कि आप जैसे हम कॉल सेंटर में हम जो फ़ोन मिलाते हैं कस्टमर केयर को बात करने के लिए, तो आप वहाँ पर भी आप इंग्लिश में बातें कर सकते हो उसे, क्योंकि उसमें भी हमें कुछ परेशानी पड़ने वाली नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं अटक बोल रहे हैं, हमें तो सिर्फ बोलना है। स्पीकिंग में हमें छोटे छोटे बहाने ढूंढने हैं कि हमें इंग्लिश में किस प्रकार बोलना है, ठीक है गाइस। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, खुद अपने आप जो मिरर होता है शीशा होता है उसके सामने खड़े होकर स्पीक कर सकते हो, इससे तो किसी का डर भी नहीं रहेगा कि हम उस सामने वाले व्यक्ति से गलत बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, तो आप खुद ये आइडिया भी अपना सकते हो कि शीशे के सामने खड़े होकर आप स्पीक कर सकते हो, ठीक है गाइस। और आपको एक चीज़ और अपनानी है, डेली छोटे छोटे आपको टॉपिक लेने हैं जिनके ऊपर आपको स्पीक करना है। जैसे आपने एक टॉपिक ले लिया मोबाइल फ़ोन, तो आपको मोबाइल फ़ोन पर ऐसे कुछ सेंटेंस डेली स्पीक करने हैं जिसको आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी कि मोबाइल फ़ोन क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है। नेक्स्ट डे आपने टॉपिक ले लिया टीवी, टीवी क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट उसके नेगेटिव पॉइंट क्या, मतलब आपको छोटे छोटे ऐसे टॉपिक लेने हैं जिसके ऊपर फिर आपको उसके ऊपर इंग्लिश में बातें करनी है, और एक दिन फिर आपका ऐसा आएगा कि आपके जो सभी टॉपिक इजीली आप उस पर इंग्लिश में स्पीक कर सकते हैं, इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो इन छोटे छोटे टॉपिक को स्पीक करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है। तो गाइज इस प्रकार जो ये आपके जो चार स्टेप थे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, यदि आप इनका आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे इंग्लिश बोलने में, तो आपको काफ़ी हद तक जो इंग्लिश बोलना है वो आने लगेगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आई होगी, तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और साथ ही जो लोग अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।